बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। सेम यार, मतलब मुझे तो अभी भी देखने गूज बम्स है मेरे कि मैं आपको मिली हूँ। और ये हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जब भी हमसे मिलते हैं मैं बहुत अच्छा लगता है। मेटल में ये ड्राई फ्रूट बॉक्स है। अच्छा, ये ड्राई फ्रूट बॉक्स है, देखो कोई पसंद आए तो। इस टाइप से सिलाई लगी हुई होती है तो मैं लेकर आ गई अपने बेडरूम के लिए, क्योंकि मेरे पास नहीं था दो घर। मैं मिनी दीदी के लिए लेकर आई हूँ पर्स। उनको ऐसे पर्स बहुत पसंद है, बहुत यूज करती है वो। फिर मुझे लास्ट में ये वाली बड़ी पसंद आई, कोल्हापुरी टाइप की स्लीपर्स है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू इंडियन मॉम स्टूडियो। और आज मैं जा रही हूँ आप सबको लेकर दिल्ली, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं दिल्ली हाट। और दिल्ली हाट हमने जाने के लिए सोचा टैक्सी करके चलते हैं, क्योंकि पार्किंग की थोड़ी दिक्कत ना हो। और यहाँ पहुँचकर बहुत अच्छा लगता है। हर साल मैं दिल्ली हाट ज़रूर आती हूँ दिवाली से पहले, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि ना लोग अपने हाथों से खुद बनाते हैं, तो वो थोड़ी स्पेशल होती हैं, थोड़ी डिफरेंट होती हैं, एक्सक्लूसिव होती हैं। और इस बार दिल्ली हाट बहुत खूबसूरत सजा हुआ था, बहुत सारी स्टॉल्स थी, बहुत ही प्यारा लग रहा था, देखकर ही ना मज़ा आ रहा था। जैसे एंट्री की थी मैंने, और एंट्री करते ही बहुत सारी शॉप्स हैं यहाँ पर। और इस टाइम दिवाली का टाइम है तो बैंगल्स ले लीजिए, दियों का काम है जैसे, और पॉटरी का जो काम है वो बहुत अच्छा मिल जाता है यहाँ पर। और इसके अलावा हैंडमेड पेंटिंग्स होती है ना, वो भी बहुत सुंदर सुंदर मिल जाती हैं। ये 2200, 3500 इस रेंज में होती हैं, क्योंकि हाथ से बना हुआ काम थोड़ा सा तो महंगा होता ही है, और थोड़ा दिल्ली हाट महंगा है भी। और यहाँ पर ना मुझे ये चौकियाँ बहुत पसंद आ रही थी, ये पूजा वगैरह के लिए बहुत अच्छी हैं। और इसके अलावा कॉर्नर डेकोर के लिए भी बहुत अच्छी लगती है ये। इसके ऊपर आप स्टैचू रख सकते हो या कोई प्लांटर रख सकते हो, बहुत ही सुंदर कॉर्नर आपका डेकोर हो जाएगा दिवाली के टाइम के लिए। तो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। दिल्ली हाट में जैसे ही एंटर करते हो ना, सबसे पहली शॉप है ये स्लीपर्स की। इसमें ना बहुत प्यारी प्यारी स्लीपर्स मिल रही थी, 750 के अराउंड थी, थोड़ी बहुत बार्गेनिंग कर लेते हैं ये। और इन पे ना मोती का काम हो रहा था, बहुत खूबसूरत थी ये। तो वो मिल रहे हैं, ये तो काफ़ी सारे मिल रहे थे यहाँ पर, बहुत सारी डिज़ाइंस के भी थे और बहुत रीजनेबल प्राइस पे थे दिए। जो मैं दिए लेकर आई थी वो 10 रुपीज़ वाले ईच थे। और ये जो बड़ा वाला दिया है जो दिवाली पर हमारे यहाँ सारी रात जलाते हैं, वो है 100 रुपीज़ का एक। रंगोली भी बहुत अच्छी अच्छी मिल रही थी, कलर्स मिल रहे थे 100 के 4, और छलनी मिल रही थी जो जिसकी हेल्प से आप घर पर आराम से रंगोली बना सकते हो। अगर आप मेरी तरह हो, रंगोली बनाने में ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हो, तो ये बहुत हेल्प कर जाती हैं। तो यहाँ से मैंने कुछ दिए लिए थे, और दिए भी और भी लेने हैं मुझे। दियों की शॉपिंग ना दिवाली तक होती ही रहती है, जब भी पसंद आता है थोड़े थोड़े दिए उठा ही लेती हूँ। अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हो तो पता है दिल्ली हाट आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेस है, क्योंकि यहाँ पर एक ही जगह पर आपको बहुत तरह की चीज़ें मिल जाएंगी, चाहे वो कपड़े हों, होम डेकोर हो, कुछ भी हो, यहाँ पर बहुत कुछ मिलता है। बट ये तो हम अपने बाहर टांगते हैं, सबसे बड़ा ये जमीन। और ये थी तमिलनाडु की शॉप जिसपे ना हैंडमेड तोरण मिल रहे थे। और रामायण के जो जितने भी भगवान जी हैं, जैसे कि रामचंद्र जी, हनुमान जी, ये सब मिल रहे थे हैंडमेड बने हुए। बहुत सुंदर कलर करा हुआ था, पेपर के बने हुए होते हैं ये बाय द वे। यहाँ पर ना कुछ शॉप्स जो हैं परमानेंट हैं, जैसे कि कश्मीर से हैं, और वहाँ पर ना प्योर पश्मीना की शॉल वगैरह हैं, जैकेट्स हैं, वो बहुत अच्छी मिल जाती हैं। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। और ये हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जब भी हमसे मिलते हैं मैं बहुत अच्छा लगता है। आपका नाम? मेरा नाम अर्चना है। मेरा एक यूट्यूब चैनल है अर्चना सेठी रेहानी के नाम से, कभी वो भी देख लेना, गो सब्सक्राइब गाइस। ये है कुछ हैंडमेड शॉप जो कि इन्होंने अपने हाथों से खुद बनाए हैं। और ये सारी की सारी चीजें ना बड़ी सुंदर थी, थोड़ी महंगी थी क्योंकि हैंडमेड चीजें हैं। यहाँ पर गणपति और लक्ष्मी माँ तो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ये 1100 का जोड़ा था। और यहाँ पर मैं एक और शॉप पर आई थी, ये भी हैंडमेड का ही काम करती हैं। और इनके पास भी बहुत सारे वो थे, रंगोली होते हैं ना, रंगोली वाले डिजाइन्स थे। walking round dust, you're alone or on the run. Well, I can see the fire still in your shadow. None. इनके पास भी हैंडमेड बहुत खूबसूरत सामान था, जैसे कि मैं ये देख रही थी रंगोली का डिज़ाइन, इसमें दिए भी लगा सकते हो। ये ना 700 या 650 के अराउंड था, तो ये थोड़ा मुझे महंगा लगा, इस वजह से मैंने नहीं लिया, वरना मुझे पसंद बहुत आया था ये। दिल्ली हाट में ना आपको वुडन ट्रे बहुत सुंदर सुंदर मिल जाएंगी, और ये आपको 3 का सेट मिल जाता है 3000 में, कुछ 2000 में। और मैं ये जो देख रही थी ये 3 का सेट था 2000 रुपीज़ में, और इसमें 3 साइज़ की डिफरेंट थी। अच्छी लग रही थी मुझे ये ट्रे। दिवाली से पहले इस टाइप के जो मार्केट होते हैं ना, इन्हें एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं दिवाली का जितना भी काम होता है ना वो 3-4 दिन पहले पूरा का पूरा ख़त्म कर लेती हूँ, और फिर दिवाली के टाइम पर अच्छे से घूमने में मज़ा आता है। घर की कोई टेंशन नहीं होती, घर पूरा का पूरा तैयार है दिवाली के लिए। कल का होम टूर आप लोगों ने बहुत पसंद किया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। सभी लोगों को घर बहुत पसंद आया, और अच्छा लगता है जब आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ तो बहुत मोटिवेशन मिलता है, आगे और अच्छी वीडियोज़ लाने का एक होता है ना, मन करता है अंदर से। But I'm a believer, keeping the hope you need. You don't wanna load it onto my shoulders to carry all. अच्छे लग रहा है। 4 के अलावा 6 में होता है। दिखाना ये 6 में भी है भैया, क्या ये मसालदानी 6 में है? नहीं, ये है मेटल में, ये ड्राई फ्रूट बॉक्स है। अच्छा, ये ड्राई फ्रूट बॉक्स है, देखो कोई पसंद आए तो। ये क्या मटेरियल है, ये किस रेंज में? 1250। दो घर कितने के हैं? तो दोस्तों, दिवाली की वाइब्स तो हर जगह आई हुई हैं। जिस भी शहर में आप रहते हो वहाँ के आसपास मार्केट ज़रूर बहुत खूबसूरत सजा हुआ होगा दिवाली के लिए। तो आज तो पता है बहुत अच्छा लग रहा है मुझे वॉइस ओवर करते समय, क्योंकि आज सुबह सुबह यहाँ पर बारिश भी हो गई थी, तो जितना भी पोल्यूशन हो रहा था दिल्ली में वो सब कम हो गया है। बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा भी यहाँ पर चल रही है, तो आप लोग भी आज जा सकते हो अगर दिल्ली घूमना है तो। मौसम बहुत सुहाना है आज का। तो आज धनतेरस है, तो आप लोगों को हैप्पी धनतेरस। I'm रेशमा, और मैं भीमा जी का इंडियन मॉम स्टूडियो बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ, जब से स्टार्ट किया है। इनकी शुरू से जर्नी मैंने अभी तक देखी है, इट इज़ ऑसम। नाइस मीटिंग यू। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। सेम हियर। मतलब मुझे तो अभी भी देखने गूज बम्स है मेरे कि मैं आपको मिली हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। दिल्ली हाट हम लोगों ने घूम लिया, और दिवाली से पहले आना अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे कुछ अच्छी नई चीज़ें दिखाई दे। 1-2 दिन आ सकते हो। हाँ यार, कल और आ सकते हो। धनतेरस छोटी दिवाली पे भी लगेगा ये तो गाइज जो भी शॉपिंग करिए वो घर पहुँच के मैं आपको दिखाऊंगी। चलते हैं अब घर, मफिन वेट कर रहा होगा। तो आज मैं और प्रशांत गए थे दिल्ली हाट, अच्छा लगा वहाँ जाके। हर साल ही जाती हूँ दिवाली से पहले, वहाँ से दिए विए लेना मुझे अच्छा लगता है। तो कभी कभी कुछ अच्छी चीज़ें भी मिल जाती हैं, दियों में भी नए डिज़ाइन वगैरह दिख जाते हैं, तो एक चक्कर लगा लेती हूँ मैं दिवाली से पहले। और एक और चीज़ लेनी थी मुझे दिल्ली हाट से, जो कि मैंने लास्ट ईयर भी देखी थी लेकिन फिर छोड़ दी। मैंने सोचा इस बार ज़रूर लेकर आऊँगी, वो है दोहर, या फिर आप बोल लीजिए AC क्विल्ट, कम्फर्टर, जो भी आप बोलना चाहो। लेकिन इसमें ना बीच में फॉर्म नहीं होती, दोनों साइड कपड़ा होता है, इस टाइप से सिलाई लगी हुई होती है। तो मैं लेकर आ गई अपने बेडरूम के लिए, क्योंकि मेरे पास नहीं था दोहर। पुराना वाला जो दोहर है वो काफी टाइम हम लोगों ने यूज कर लिया, कम से कम 5-6 साल लगातार यूज किया है, तो अब वो खराब हो गया था। AC चलाकर भी सोते हो तब भी अच्छा लगता है, और वरना ऐसे भी तो इसीलिए मैं ये बहुत खूबसूरत सा डिजाइन लेकर आई हूँ। और ये डबल साइड है, ये प्रशांत को बहुत पसंद आया था, उन्होंने फर्स्ट टाइम में इसी को ही पसंद किया था। अरे इस पे जो इन्होंने कढ़ाई की हुई है ना, वो एक्चुअली 3D टाइप की आ रही है। हाँ। तो जैसे कोई डिजाइन है तो उसके चारों तरफ उन्होंने ना स्टिचिंग करी है, उसकी वजह से वो डिजाइन 3D लुक आ रहा है। पता नहीं इसमें कितना दिखाई दे रहा होगा, लेकिन पर्सनली अगर आप देखोगे तो 3D लुक आ रहा है इसका। और दूसरी साइड से इसका जो प्रिंट है वो जो है डिफरेंट है, यहाँ से व्हाइट है और इस टाइप से फ्लावर्स बने हुए हैं। तो दोनों साइड से आप बिछाओगे तो अलग अलग लगने वाला है। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। और इस टाइप की जो एसी क्विल्ट है ना, मैंने होम सेंटर वगैरह में पूछे हुए हैं, 3-3.5 हजार से कम के नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर भी ये सस्ता नहीं मिल रहा था, यहाँ पर भी ना इसके प्राइस 3200 रुपए बोल रहे थे, जिससे हम लोगों ने खरीदा है 2400 रुपीज में। तो हमें अच्छी प्राइस पर मिल गया, इसीलिए हम लोगों ने ले लिया। लास्ट ईयर भी हमें बहुत पसंद आ रहा था ये, लेकिन हमने छोड़ दिया था। सेकंड चीज मैं मिनी दीदी के लिए लेकर आई हूँ पर्स। उनको ऐसे पर्स बहुत पसंद है, बहुत यूज करती है वो। इसके साथ बेल्ट भी आती है। लास्ट ईयर उन्होंने अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए खरीदे थे इस टाइप के पर्स, और इस बार मैं उनके लिए लेकर आई हूँ। ये देखिए, उन्होंने मंगाया था एक्चुअली। वो यही दिल्ली हाट के ही पर्स यूज करती हैं, बहुत साल चल जाते हैं। इनकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है। और ये ना डबल उसके होते हैं, इसमें डबल सेक्शन भी है, और इसमें 3 सेक्शन वाले आते थे पहले, अब नहीं मिल रहे हैं वो। और ये भी उन्होंने काफी महंगा बोला था, ये पर्स बोला था उन्होंने 2100 का। और हमें पता है किस प्राइस में ये मिल जाता है, क्योंकि हम हर साल लेते हैं किसी न किसी के लिए। हमें पड़ा है ये 1500 रुपीज में, हमने 1500 रुपीज में लिया ये वाला पर्स। इसमें काफी सारी पॉकेट्स होती हैं, पीछे भी पॉकेट है, यहाँ पे भी एक सेंटर में पॉकेट है, फिर आगे ये पॉकेट है। पॉकेट तो इसमें भरमार है, मेरी दीदी को इसीलिए पसंद है शायद ये। और इसके अंदर भी एक छोटी पॉकेट है, फिर बीच में एक पॉकेट है, बहुत सारी पॉकेट्स हैं गाइस। बहुत अच्छा है ये पर्स, इसका लेदर बहुत बढ़िया है, इसको जितना यूज करोगे खराब नहीं होगा। वो तो यही बोलते हैं कि प्योर लेदर का है, लेकिन प्योर लेदर का मैं मान नहीं सकती, क्योंकि प्योर लेदर की चीजें तो और भी महंगी आती हैं। लेकिन जो भी लेदर है ना, ये बहुत अच्छा है। पता है मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी मिले थे दिल्ली हाट में, कुछ लोगों के साथ मैं वीडियो बनाना भूल गई और कुछ लोगों के साथ मैंने बनाई। तो आप सभी से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोग बहुत ही प्यारे हो सभी। अगर आप मुझे कहीं देखते हैं तो प्लीज मुझसे मिलने जरूर आया करिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से मिलना। अब मैं दिखाती कुछ और चीजें जो मैंने ली हैं यहाँ से। ये मैंने दिए लिए हैं दिल्ली हाट से, जो कि हर जगह मिल जाएंगे। अब मैं दिल्ली हाट घूमने गई थी तो वहां से ले लिए मैंने ये। और यहाँ पे मैं लेकर आई हूँ रंगोली के कलर, और ये भी मुझे 100 रुपीज में 4 मिले हैं, इससे मैं रंगोली बनाऊंगी। और ये हमें मिला है 100 रुपीज का। और एक मैं लेकर आई हूँ चौकड़ी, इसे हमारे यहाँ चौकड़ी बोलते हैं। इसमें खील, बताशे, मिठाई, ये सब चीजें रखी जाती हैं। ये भी मैं 100 रुपीज का लेकर आई हूँ। हाँ, इसके अलावा मुझे ये चाहिए था सीक्वेंस वाला मैट अपने सेंटर टेबल पे लगाने के लिए, तो ये मैंने लिया है। ये 200 का लिया है मैंने, 200 रुपीज का लिया है। और इसका छोटा वाला भी लेकर आई हूँ मैं, वो मैंने 150 में लिया है। ये देखिए कितना प्यारा है, ये लगा मुझे थोड़ा महंगा दिया है, ये तो फिर भी सही प्राइस पे दिया है, क्योंकि इसके पीछे कपड़ा लगा हुआ है, लेकिन इसके पीछे तो कपड़ा भी नहीं लगा हुआ, ये महंगा दिया है इन्होंने। और लास्ट में मैंने ये ली थी स्लीपर्स। ये स्लीपर्स मुझे बड़ी प्यारी लग रही थी, इससे पहले वाली स्लीपर्स मुझे बहुत पसंद आ रही थी, लेकिन पैर में पहनने के बाद वो थोड़ी बड़ी बड़ी लग रही थी। फिर मुझे लास्ट में ये वाली बड़ी पसंद आई, कोल्हापुरी टाइप की स्लीपर्स है, और इनमें इस टाइप का वर्क हो रहा है। किसी भी सूट के साथ पहन सकते हो, बड़ी सुंदर लगेंगी ये पहनने के बाद, साड़ी के साथ भी अच्छी लगेंगी। ये थी 750 की, मैंने लिए हैं 600 रुपीज में। इनके पास सारी स्लीपर्स जो आगे की तरफ लगी हुई थी सब 750 की थी। एक मैं लेकर आई हूँ दिवाली के लिए बड़ा वाला दिया, जो कि पूरी रात जलता है दिवाली वाले दिन। मिलते हैं आप लोगों से एक और अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव।